সম্মানীয় ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টারজি, উনি ভারত সরকারের 33তম মিনিস্টার অফ পাওয়ার এন্ড 40তম মিনিস্টার অফ হাউজিং অ্যান্ড আর্বান অ্যাফেয়ার্স, আমাদের মোদী সরকারের এই তৃতীয় দফার যে গভর্নমেন্ট, উনি 10তম চিফ মিনিস্টার হরিয়ানা ছিলেন এবং কার্নাল কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে উনি বহুবার লড়ে জিতে এসেছেন, এবারও উনি লড়ে জিতে এসেছেন। আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং কৃতজ্ঞতা জানাই সম্মানীয় খট্টারজিকে আজকে আমাদের এতটা সময় দেওয়ার জন্য। আমি এবার সম্মানীয় কেন্দ্র সরকারের মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টারজিকে বলবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। पश्चिम बंगाल की आज अपनी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मंच पर विराजमान अपने इस प्रदेश के प्रभारी बहुत ही श्रेष्ठ अपने कार्यकर्ता माननीय श्री सुनील बंसल जी, सह प्रभारी श्री अमित मालवीय जी, हमारे एलओपी, हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सुकांत मजुमदार जी, हमारे एलओपी लीडर ऑपोजिशन श्री शुभेंदु अधिकारी जी, संगठन मंत्री श्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, सह संगठन मंत्री श्री संतोष ढोड़ जी, अपने केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार में हम लोग साथ काम कर रहे हैं श्री शांतनु ठाकुर जी, पार्टी के अपने सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री आशिम घोष जी, श्री दिलीप घोष जी, श्री राहुल सिन्हा जी, श्री त्यागत राय जी, तथागत राय जी और हमारी बहन श्रीमती अग्नि मित्रपाल जी, उपस्थित सभी हमारे सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, आज बहुत ही खुशी की बात है साथियों कि बंगाल की इस पावन भूमि पर मां काली के चरणों में मैं नमन करते हुए आपके बीच आया हूं। बंगाल में आना तो पहले भी हुआ है, लेकिन इस प्रकार से पार्टी के किसी बड़ी कार्यक्रम में मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार आ रहा हूं। पार्टी का यह जो संघर्षशील इतिहास है, इसके बारे में सुनते हैं, जानकारियां मिलती रहती हैं, आपके मन में जो कुछ विचार, जो एक क्रांति दौड़ रही है, उसका हम आभास तो लगा लेते हैं, लेकिन आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में आकर आपकी जो संघर्ष की गाथा है, उसको मित्रों मैं सल्यूट करता हूं। मित्रों, हम हरियाणा के लोग हैं, हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तो राम राम से करके करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, हरियाणा की ओर से और विशेष करके देश के नेता अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आपको सबको राम राम कहता हूं। और अगर बंगला में कहना हो तो मेरे साथियों ने मुझे कहा जिस प्रकार से कहना कि सभाए के नमस्कार जानाई आप मनारा भलो आछंतो, एक शब्द मुझे कभी कभी बंगाल के लोगों से मिलता हूं तो पुराना शब्द याद आ जाता है, बाबू मशा, आजकल पता नहीं चलता कि नहीं चलता है, लेकिन हर प्रदेश की अपनी एक छवि होती है, अपना एक काम करने का तौर तरीका होता है। देश भर में जब हम जाते हैं तो वाक्य प्रयोग करते हैं कि देश भर के कार्यकर्ता और अपना पसीना बहा करके खूब मेहनत करते हैं, लेकिन यहां मैं कहूंगा कि बंगाल के कार्यकर्ता हमारे पसीना नहीं, खून बहा करके पार्टी के लिए काम करते हैं।
अपनी जान हथेली पर रख करके काम करते हैं। इस संघर्ष में बहुत सी जानें चली गई, बहुत कार्यकर्ता हमारे से बिछुड़े। सर्वप्रथम मैं उन सब कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उन परिवारों को निश्चित रूप से एक आघात लगता ही है। संतोष की बात यह हो सकती है, उनके मन में आती भी होगी कि किसी कारण से पार्टी का काम करते हुए, और न केवल पार्टी का काम बल्कि देश और समाज के लिए काम करते हुए बलिदान दिया है। मैं उन परिवारों को भी सैल्यूट करता हूं, उनके प्रति भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, यहां जो भी चुनाव हुए, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटों की गिनती में तो हम कह सकते हैं कि शायद 2019 की अपेक्षा हम थोड़ा पीछे रहे। 2019 में हमारी सीटें 18 थी और अभी 12 सीटें जीत पाए हम। लेकिन फिर भी गणित कई प्रकार का होता है। इस गणित में अगर ये देखा जाए तो 2019 में जो हमको वोट का परसेंटेज मिला था, टोटल वोट मिले थे, 2024 में बंगाल के लोगों ने उससे ज्यादा वोट हमको दिए हैं, ज्यादा परसेंटेज में दिए हैं। इसलिए हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम कुछ सीटें कम हुए, बल्कि हमारी ये 12 सीटें ये देश में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान है 12 सीटों का। तो इस नाते से एक देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनाने का जो रिकॉर्ड बना है, क्योंकि हमको जानकारी मिली होगी, बताया ही होगा और आपने विश्लेषण भी किया होगा कि दूसरी बार यह हुआ है कि कोई एक ही व्यक्ति तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बना है। इससे पहले तो या तो 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे तीसरी बार, या 62 के बाद और 62 साल के बाद 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। एक बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस यानी नेहरू जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उस समय नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना बड़ा सरल इसलिए था कि कांग्रेस को देश के आजाद होने के बाद उन्होंने सत्ता एक प्रकार से बिना किसी देश की सहमति लिए और अपने आप प्रधानमंत्री बन बैठे 2047 में। आजादी के बाद कोई चुनाव तुरंत नहीं हुआ 47 में, 47 में अपने आप ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री बन बैठे। पहला चुनाव 52 में हुआ तो 1952 में भी कोई सामने पार्टी ऐसी नहीं थी जो क्लेम करे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं सत्ता में, यानी आने के लिए देश के अंदर सत्ता प्राप्त करने के लिए। बल्कि उस समय का जो स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्व स्वरूप जो भारतीय जनसंघ था, जनसंघ में की बात चलती थी कि हम एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए और देश में चुनाव लड़ रहे हैं ताकि जो सत्ता पक्ष कांग्रेस है वो अपनी मनमानी ना कर सके, मनमर्जी ना कर सके, उसके ऊपर एक अंकुश बना रहे। यानी सामने कोई था ही नहीं तो स्वाभाविक है उनको प्रधानमंत्री बनना, स्वाभाविक 57 में भी, स्वाभाविक 62 में भी। बल्कि कहा जाए तो देश की जनता कांग्रेस और सरकार ये उस समय एक ही मानते थे, सरकार माने कांग्रेस, कांग्रेस माने सरकार। जैसे आज से पहले 40 साल पहले आपको किसी को ध्यान में हो जो बड़ी आयु के अपने कार्यकर्ता हैं, 40 या 30 साल पहले उस समय कोलगेट और टूथपेस्ट ये एक ही बात होती थी। अगर किसी दुकान वाले को कह दो पेस्ट दे दो तो कोलगेट उठा के दे देता था, और किसी को कोलगेट दे दो मांग लो तो पेस्ट वही उठा के दे देता था। लेकिन आज अगर कहा जाए दुकान वाले को कि हमको एक पेस्ट चाहिए तो उसका एक काउंटर क्वेश्चन होगा, क्या होगा, कौन सा पेस्ट। तो आज वो सिनोनिमस नहीं है। 62 तक कांग्रेस और सरकार सिनोनिमस थी, इसलिए वो तीसरी बार जीत के आ गए थे। लेकिन अभावित है, पहला चुनाव है कि विपक्ष के लोग भी खुश हैं, पहला चुनाव है, सत्ता पक्ष भी खुश, विपक्ष भी खुश। अभी विपक्ष के खुश होने का उनकी जो गलत फहमी है, जो उनको भ्रम है, वो क्या भ्रम है उसका भी विश्लेषण करना चाहिए। पहला भ्रम तो उनको यह है, वो कहते हैं कि आप लोग बहुमत में नहीं आए, बहुमत होता 272 सीटों का। एनडीए को कितनी सीटें मिली, 290। तो बहुमत है कि नहीं है, है कि नहीं है। यह ठीक है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें 240 है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, यह सरकार है एनडीए की,
इसमें अगर उनको उनके लोगों को हमको बताना हो तो किस ढंग से बताएंगे कि जब यूपीए की सरकार बनी थी 2009 में और 2014 में, उस समय का विश्लेषण भी करना चाहिए। उस समय भी यूपीए एनडीए दोनों का आमने सामने मुकाबला था। 2004 में यूपीए की सरकार थी तो 2004 में यूपीए की कितनी सीटें आई थी किसी को मालूम है? कोई बता सकता? कोई बताया करे? ओके, 147 थी, वो कांग्रेस की थी, यूपीए की 225 के आसपास थी। यूपीए की सीटें 225 थी, बहुमत कितना होता है? 272। उनका बहुमत नहीं था, उन्होंने थर्ड पार्टी अलायंस करके और आफ्टर पोल अलायंस किया, तब वो सरकार बनी थी। इसलिए बिना बहुमत की सरकार वो थी उनकी, जब पोस्ट पोल अलायंस करने के बाद उन्होंने सरकार बनाई। और यही स्थिति 2009 में भी थी। 2009 में यूपीए की कितनी सीटें आई थी? 262 थी, 262। और बहुमत कितना होता? बहुमत 272। तो उस समय बहुमत नहीं था, उस समय भी उन्होंने पोस्ट पोल अलायंस करके थर्ड फ्रंट के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। और इन दोनों बार कांग्रेस की सीटें, आज हमारी सीटें 230 है, उस समय कांग्रेस शासन में मुख्य भाग पार्टनर होने के बाद भी उनकी सीटें 230 से भी कम थी। एक बार तो 143 जैसे बताया गया और दूसरी बार भी कुछ 162 या कुछ ऐसा समथिंग था, लेकिन बहुत कम थी। वो उस समय को भूल गए और आज कहते हैं कि हमारा बहुमत नहीं है। स्पष्ट बहुमत 290 के साथ हमने सरकार बनाई है। ये एनालिसिस करने के लिए हम कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस के लोग कितना झूठ बोलते हैं, ये झूठ के सारे चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हां, खुश होने का एक कारण और है और वास्तविक कारण है उनके लिए, वो क्या है कि जब अपनी सरकार बनी 2014 में तो कांग्रेस की सीटें कितनी थी? 44 थी। कुछ अगर सीटों का भ्रम हो तो आप लोग जरा बता देना मुझे। और जब 2009 में उनकी सरकार बनी थी तब कांग्रेस की, नहीं हमारी 2014 की बात है, 2019 में हमारी सरकार बनी थी तो कांग्रेस की कितनी सीटें थी? 52 थी। अब ये बताइए कि एक मान्यता प्राप्त विपक्ष को होने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 54 या 55 कह सकते हैं। ना तो 2014 में उनके पास मान्यता प्राप्त विपक्ष की सीटें थी, ना 2019 में मान्यता प्राप्त करने की सीटें थी। खुशी का बात उनके लिए हो सकता है कि इस बार मान्यता प्राप्त विपक्ष वो 99 सीटें ले गए हैं, इसलिए वो खुश हो रहे हैं। यह है खुशी का कारण। और हम कहते हैं लगातार हम नेता प्रतिपक्ष बनते भी रहो और खुश होते रहो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां हो वहीं हो। तो जो 99 का चक्र है ये उनको तंग किए हुए सताए हुए है और वो सोचते हैं हम 99 ले गए तो शायद सफाई प्राप्त कर गए। हिंदी का एक शब्द है मृग मरीचिका। मृग मरीचिका का अर्थ ये होता है कि एक हिरण राजस्थान में अगर दौड़ता है, दूर तक रेत होती है, प्यासा होता है, इसको प्यास लगी होती है मृग हिरण को, तो दूर रेत में ऐसा लगता है कि 5-7 किलोमीटर के आगे पानी है, रेत चमक रहा होता है, पानी होता नहीं है, उसको लगता पानी, वो दौड़ता है, वहां पहुंचता है, देखता पानी है नहीं, फिर वो प्यासा ही प्यासा रह जाता है। तो इनको भी मृग मरीचिका की बीमारी हो गई है, इनको लगता है 99 सीट के पास खड़ा था भी, 99 आउट ऑफ 543। तब ध्यान में आया कि आउट ऑफ 543 ही हैज गॉट 99, वो उसी में से खुश हो रहा है। तो इनकी स्थिति यह बनी हुई है। मित्रों, हम इन आंकड़ों के माध्यम से इसलिए कि आज देश के अंदर जो सरकार बनी है देश की जनता ने, हम फ्रंट है कांग्रेस का, एक फ्रंट है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का। अब ये दोनों फ्रंट पर एक का तो झूठ लगातार बोलते जा रहे हैं, चुनाव के अंदर जो झूठ बोले यहां भी शायद लोगों पर असर किया होगा। कांग्रेस का लोगों का एक प्रश्न था कि मोदी जी को सरकार बनाने के लिए तो 272 चाहिए, वाई इज डिमांडिंग फॉर 400।
वो 400 तो मांग रहे हैं, 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? दिस वॉज द क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन लाइक दैट, कि एक विद्यार्थी को कहा जाए कि यू कैन पास आउट योर क्लास आफ्टर गेटिंग 33-35%, व्हाई यू आर एमिंग एट 98%? किसी बालक को कोई पूछ सकता है क्या कभी, आप होशियार हैं पढ़ाई में, अपना टारगेट 98% क्यों रखा है? व्हेयरएज यू कैन पास द क्लास आफ्टर ऑब्टेनिंग 35% ओनली, कोई पूछेगा किसी बालक को? क्यों वॉन्ट बी टी सिली क्वेश्चन? आगे याद रखने के लिए जनता को कहा है, संविधान की हत्या तो उस दिन हुई थी, संविधान की हत्या कांग्रेस ने की 1984 के अंदर, दंगों के अंदर कितने ही लोगों को इन्होंने मारा और मरवाया नहीं, खुद अपने लीडर्स के लीडर्स ने उनको मारा। संविधान की हत्या ये करने वाले कांग्रेस के लोग हैं और बाकी जो साथी इनके जो साथ देते हैं वो सब लोग दोषी हैं। आज देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर साहब दोबारा से भी जन्म लेके आ जाए और वो कह दे कि संविधान को बदलना है या संविधान को समाप्त करना है, आप नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता उसको, कोई नहीं कर सकता उसको समाप्त। तो मित्र ये सारी चीजें हमको ध्यान इसलिए करनी कि कांग्रेस का जो झूठ है और उसमें जो समाज के अंदर ये भ्रम फैलाया, पार्लियामेंट में जो भाषण दिया कि यहां के लोग हिंसावादी नहीं, हिंदू हिंसावादी हैं, हिंदुओं को यानी एन ब्लॉक जिसको गाली देना और एन ब्लॉक दोषारोपण करना, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा। बंगाल के लोगों से ज्यादा हिंदुओं के बारे में और कोई नहीं जान सकता। यहां हिंदुओं के प्रधान स्वामी विवेकानंद जी जिस बंगाल के रहने वाले हो, वहां हिंदुत्व क्या है ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों हम इस प्रदेश के लोग अपनी जो विरासत है, अपनी जो गौरवशाली इतिहास है, बंगाल देशभक्ति से ओतप्रोत देश की आजादी के अंदर कितना बड़ा योगदान है, जिस जनगण मन की आज हम बात करते हैं उसकी उत्पत्ति कहां हुई? वो बंगाल में हुई। कितने देशभक्त लोग इतिहास में भरा पड़ा है उनका, तो बंगाल के लोगों को इस प्रकार से उस स्थिति से आज स्थिति में लाने का जो काम जिन लोगों ने किया उस पर विचार करना चाहिए। आज का बंगाल आज से 70-75 साल पहले के जो बंगाल से तुलना करते हैं, अभूतपूर्व अंतर हमको लगता है, दूर बैठे लगता है। बंगाल के उस गौरव को समाप्त करने वाले यहां के जितने भी शासक, स्थानीय शासक सरकारें रही हैं, उन लोगों का पूरा योगदान है। चाहे पूर्व में वामपंथी सरकारें रही हो और चाहे आज तृणमूल सरकार ममता दीदी की सरकार, इनका पूरा योगदान है। उसी पथ पर उसी लाइन पर ही चल रहे हैं, यानी देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति इसकी ओर ध्यान नहीं है, केवल अपना स्वार्थ, भ्रष्टाचार, घर भरना और इनके जो वर्कर्स हैं जिस प्रकार की लूट खसोट करते हैं, उस रसोट की जानकारी मेरे से ज्यादा मित्रों आपको होगी। यहां पर जिस प्रकार से कहा जाता है तोलाबाजी, तोलाबाजी करते हैं यहां के लोग, महीनावारी लेते हैं कि नहीं, मंथली हमारे यहां मंथली साप्ताहिक, छोटे छोटे दुकानदारों से, छोटे छोटे लोगों से इस प्रकार के बांध रखे हैं। और इस भ्रष्टाचार में तो बड़े बड़े काम करने वाले यहां के सरकार के लोग, कल मैं आज सुबह मैं डीवीसी की मीटिंग में था, दाबद्ध वैली कॉरपोरेशन, यानी इस डीवीसी के माध्यम से बंगाल का और झारखंड का बहुत बड़ा एरिया है जो उसके लिए वो काम करते हैं, आज से नहीं 1948 से कर रहे हैं, लेकिन उनके काम में रुकावट डालने का काम यहां की सरकार करती है, यहां के मुख्यमंत्री करते हैं। तरह तरह के आरोप, उनको काम करने ना देना, ये आज सुबह मुझे सारी घटनाएं पता लगी। मोदी जी के साथ जो योजनाएं मोदी जी ने दी है सारे देश के लिए, देश की सरकारें उसको अपना रही है, यहां की ममता दीदी की सरकार उसको अपनाती नहीं है, बल्कि उसमें घोटाले, पीएम आवास योजना के अंदर यहां का घोटाला, ये जग जाहिर है। तो इस प्रकार की सब बातों को यहां का कार्यकर्ता झेल रहा है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मित्रों भाई बहनों, हमको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे ले जाने के लिए पार्टी के नाते से काम करना होगा। हमारे यहां जो आज से 70 साल पहले बंगाल के व्यक्ति का एक गौरव, यहां की जो एजुकेटेड सोसाइटी, यहां के संस्कार, यहां की जो अच्छी बातें हैं उनको वापस लाने के लिए संघर्ष तो करना ही होगा। इस संघर्ष में एक बात का आश्वासन मैं दे सकता हूं कि बंगाल का कार्यकर्ता अपने आप को अकेला ना समझे, बंगाल के कार्यकर्ता के पीछे पूरा देश खड़ा, पूरी पार्टी खड़ी है। मित्रों
इस नाते से आज ही हमको अगले 2026 में शायद यहां चुनाव है, ऐसी है ना। आज 2024 ऐसा नहीं कह सकते कि भी इतना साल पहले, दो साल ढाई साल पहले हमारी विस्तारित कार्य समिति क्यों हो रही है। विस्तारित कार्य समिति सारे देश में हो रही है, जहां अभी का चुनाव है वहां भी हो रही है, जहां दो साल तीन साल चार साल बाद चुनाव है या लोकसभा का चुनाव जब आएगा उस समय तक भी क्यों ना हो, लेकिन अपनी विस्तारित कार्य समिति के माध्यम से कार्यकर्ता अपना पूरा ताकत जोर पूरी अपनी ट्रेनिंग करके पूरे अपने उत्साह के साथ उन सब बातों के लिए लग जाए कि जो संघर्ष हम लगातार कर रहे हैं उसको मजबूत करने के लिए जनता को अपने साथ और जोड़े और जोड़े। कार्यक्रम जिस प्रकार के केंद्र की ओर से आते हैं, बड़े छोटे सब प्रकार के कार्यक्रम आते हैं, आएंगे ही, लेकिन एक विषय जो अपने काम का आधार है, आज से नहीं 70 साल 75 साल से पहले जनसंघ के समय से है, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी तब से भी है, वो है डोर टू डोर संपर्क करना, वोटर टू वोटर संपर्क करना। हाँ, बाकी सब काम करेंगे, मीडिया भी अपनी जगह चलेगा, सभाएं भी अपनी जगह होंगी, नेता भी आएंगे, टीवी अखबार सोशल मीडिया सब चलेगा, लेकिन मूल सूत्र है कि हर कार्यकर्ता अपना जो उसका क्षेत्र है उसके अंदर किस प्रकार से अपने उस सिस्टम को मजबूत करे। हाँ, बंगाल में एक बड़ा क्षेत्र ऐसा भी है जहां शायद हमारे आज कार्यकर्ता नहीं होंगे, क्योंकि यहां एक डिवाइडेड सिस्टम है। एक डिवाइडेड सिस्टम के कारण से जहां हमारा प्रभाव क्षेत्र है वहां घर घर है, उस काम को चालू करना ही है। हर संदेश जो पार्टी का संदेश है, जो केंद्र सरकार का संदेश है, वो घर घर पहुंचाने का काम हमको करना होगा। लेकिन जहां हमारा कार्यकर्ता नहीं है वहां भी हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, वहां से भी समाज के कुछ लोगों से बात करके जो राष्ट्रीय विचार के साथ जुड़ सकता है, जो अपनी पार्टी की विचारधारा को साथ लेकर चल सकता है, एथनिकली किसी के साथ दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। समाज के हर वर्ग में समझदार लोग मिल सकते हैं, आखिर पूरा समाज एक है, मैंडेट सबका मिल करके है, कोई एक समाज का मैंडेट है दूसरे समाज का मैंडेट नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां एक कदम कहीं उल्लंघन होगा, सीमा का उल्लंघन, वहां संघर्ष भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ तालमेल रखकर के आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई सिरों की लड़ाई है, शरीरों की लड़ाई नहीं है। शरीर की लड़ाई हम दुश्मन के साथ कर सकते हैं, देश बॉर्डर के बाहर जो बैठे हैं उसके साथ तो शरीरों की लड़ाई हम कर सकते हैं, लेकिन जब देश का मैंडेट है उसमें अच्छे लोगों को कहीं से वहां से निकाल करके ला करके उनको अपने साथ जोड़ना, इस काम को भी अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी मैं हरियाणा के साथ तुलना करता हूं बंगाल प्रदेश की, कि बंगाल में आखिर क्यों इतना पीछे हट गया, तो यहां के जो ध्यान में आती बातें कि औद्योगिकरण को नष्ट किया है पिछली सरकारों ने भी, ये सरकार भी, और उस औद्योगिकरण को नष्ट करने के लिए जो ये लोक लुभावन नारे सामान्य गरीब जनता में देते हैं, मजदूर वर्ग में देते हैं, उसके कारण से अच्छे लोग जो इस प्रदेश की प्रगति के लिए काम कर सकते हैं वो बंगाल से भी पलायन हो रहे हैं। मैं कोई साहूकारों का बहुत बड़े जो सरमाएदार हैं उनका हिमायती ऐसा नहीं है, लेकिन उनके योगदान से प्रदेश में जो चीज आगे बढ़नी चाहिए, जो रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, वो यह समाप्त हो रहे हैं। बेरोजगारी खूब फैल रही है, तो इस बेरोजगारी को रोकने के लिए भी हमको सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से जो प्रोजेक्ट है उनको आगे बढ़ाना होगा, और इस प्रदेश सरकार के नकाब को उठाना होगा कि किस प्रकार से लोगों को बहका करके, और समाज में जो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ये विषय चलाते हैं, तो उस नाते से इस प्रदेश की इनकम आमदन कैसे बढ़े, केवल कर्जा लेकर के और हमेशा हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगने रहने का जो स्वभाव है ये किसी का भी अच्छा नहीं है, चाहे व्यक्ति हो, परिवार हो, सरकारें हो, संस्थाएं हो, सबको आत्मनिर्भर बनाने का काम ये जब तक नहीं होगा तब तक देश में जो विकसित भारत की बात कही जा रही है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हमको इस देश को विकसित करना है, विकसित देश माने जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ देश, यानी कोई भी प्रदेश या देश दुनिया के सामने इस नाते नहीं जा रहा कि हम गरीब हैं हमको कुछ दे दो, जो आत्मनिर्भर है वही बलशाली बनेगा। इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए हमको जगह जगह पर चपे चपे पर मजबूती से काम करना होगा, और जो प्रदेश बंगाल जैसा प्रदेश, इसमें जरा और फोकस ज्यादा हमारे नेताओं को भी करना होगा, हमारे कार्यकर्ताओं को भी करना होगा, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने आज के इस कार्य समिति में मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहां बुला करके जो अवसर दिया, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जानाई सम्मानीय भारत सरकारेर मंत्री মনোহরলাল খট্টরজিকে। এবার আমি ডেকে নেব আমাদের সম্মানীয় রাজ্যসভার সাংসদ
এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের চিফ স্পোর্টসপারসন সম্মানীয় সমীক ভট্টাচার্য মহাশয়কে রাজনৈতিক প্রস্তাব পাঠ করার জন্য।